नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज स्टाफ की कमी को लेकर हड़ताल की गई थी व कॉलेज को बंद रखा गया था, परंतु मांगों का हल न होता देख विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में विद्यार्थी परिषद द्वारा कहा गया था कि अगर 5 दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज प्रशासन और प्रदेश सरकार को दी गई समय सीमा पूरी होने के बावजूद विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज कैंपस के अंदर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विद्यार्थी परिषद मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। एबीवीपी के नगर अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि कॉलेज में हमने पहले भी हड़ताल की पर उसका हमें कोई नतीजा नहीं मिला। कॉलेज में स्थिति ऐसी हो गई है कि स्टाफ की बहुत कमी है। प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि उनकी हड़ताल पर ना तो कॉलेज प्रशासन ने कोई सुनवाई की और ना ही प्रदेश सरकार ने उनकी सुनवाई की। विद्यार्थी परिषद मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठी है। एबीवीपी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो तब तक विद्यार्थी परिषद अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगी। पर उसका नतीजा हमें आज अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं है। और हम प्रदेश सरकार से और कॉलेज प्रशासन से ही मांग करेंगे हमारे कॉलेज में जल्द से जल्द स्टाफ पूरा हो। और हमारी 2 दिन हमने कॉलेज में किया तो भी कॉलेज में हमारी प्रदेश सरकार नहीं सुनी, हमारे कॉलेज नहीं सुने, तो उसके मजबूरन आके हमें आज भूख हड़ताल करनी पड़ी। तो हम प्रदेश सरकार से चेतावनी देकर आज कहते हैं कि हमारी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। एबीवीपी के अध्यक्ष मनु ने कहा कि विद्यार्थी परिषद नूरपुर इकाई पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठी है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कॉलेज का पूरा स्टाफ हो, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। एबीवीपी की छात्रा काजल ने बताया कि कॉलेज में स्टाफ की कमी है इसीलिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर कॉलेज में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जाता है तो एबीवीपी ऐसे ही हड़ताल पर बैठी रहेगी। नूरपुर इकाई आज जो भूख हड़ताल पे पहला दिन बैठी है, इस कारण बैठी है क्योंकि कॉलेज का स्टाफ पूरा नहीं है। हम चाहते हैं कि कॉलेज का स्टाफ पूरा हो, अगर स्टाफ पूरा नहीं किया गया, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। भूख हड़ताल पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में स्टाफ पूरा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में स्टाफ पूरा हो जाए ताकि कॉलेज के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अगर स्टाफ की कमी पूरी नहीं की गई तो हम आज ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक स्टाफ कंप्लीट नहीं होगा।